रेडी टेक। ओके 1 2 3 4। वन टू थ्री। नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश, एक गायक और एक संगीतकार। आज हमने एक बहुत खूबसूरत गाना रिकॉर्ड किया है जो लखनऊ फेस्टिवल का टाइटल सॉन्ग है, यानी कि थीम सॉन्ग है। आज तक न मालूम कितने गाने रिकॉर्ड किए, न मालूम कितना काम किया, लेकिन जब बात आती है लखनऊ की तो मन में काम करने का हौसला, काम करने का जज्बा कई गुना बढ़ जाता है। क्या कहने लखनऊ के, वहाँ की नज़ाकत, वहाँ की नफासत, वो बातचीत करने का एक अलग अंदाज, वहाँ का चिकन का काम, वो एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहने की तहजीब, जिसके लिए सारी दुनिया में लखनऊ बहुत मशहूर है। मैं अमन साहब का और उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे ये खूबसूरत मौका दिया इस गाने को बनाने का, और साथ में प्रवीण द्विवेदी जी का जिन्होंने इतने खूबसूरत लिरिक्स लिखे इस गाने के। मुझे पूरा यकीन है कि जितना मज़ा मुझे इस गाने को रिकॉर्ड करके आया है, उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा आपको इसे देखकर और इसे सुनकर आएगा। तो मज़ा लीजिए इस गाने का। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत 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 शुक्रिया। अमन जी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं पार्थिव गोहिल और आज विवेक प्रकाश जी के स्टूडियो में मैं आया हूं। वैसे तो बहुत सालों से विवेक जी के साथ बहुत गाने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन आज का गाना कुछ खास था, क्योंकि ये कोई फिल्म का या सीरियल का या कोई एल्बम का गाना नहीं था, ये एक उत्सव का, मतलब लखनऊ फेस्टिवल का गाना रहा। और थोड़ा लेट हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या है, अच्छी चीज़ें थोड़ी देरी से मिलते हैं। जिस तरह का गाने का, इस गाने का प्रोडक्शन हुआ है, म्यूज़िकल प्रोडक्शन हुआ है, विवेक जी ने बहुत अच्छा किया है। और चलिए, मैं खुद नहीं लेकिन एक गाने के ज़रिए आपके पास आ सकूँगा, इस फेस्टिवल का हिस्सा बन सकूँगा। इसके लिए अमन जी और लखनऊ फेस्टिवल की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। पतंगों के मेले हैं, ओ छत की अटारों पर पतंगों के मेले हैं, यह खुशियां अपनों से
संग घुल मिल कर खेले हैं। शहर से ज्यादा एक भूरी कहानी है, शाने अवध है, अवध जश्न लखनऊ है, ये शाने अवध है, अगन जश्न लखनऊ है, ये शाने अवध है, जश्न लखनऊ है, ये शाने अवध है, जश्न लखनऊ है। जी वाह, क्या बात है, क्या कहने, बहुत बढ़िया, आइए, मजा आ गया।